जैन और वेजिटेरियन रेसिपीज, अलग अलग क्यूजिन की रेसिपीज, मीठी मसालेदार यूनिक सी रेसिपीज के लिए आप मेरी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से क्लिक कीजिए, ताकि जब जब मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वेलकम टू अल्पाहार, मेरा नाम अल्पा शाह है। आज मैं टमाटर सूप की रेसिपी लाई हूँ, लेकिन होटल स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है ये। मैं मेरे घर पे जैसे बनाती हूँ, कुछ अलग तरह से, हमारे देसी मसाले, मैं वही स्पाइसेस से टमाटर सूप बनाती हूँ घर पे, वही रेसिपी मैं लेके आई हूँ। उसके लिए मैंने ये 1 कप दूधी ली है। आप चाहें तो इसमें भोपला, सफेद भोपला जो आता है वो भी डाल सकते हैं, यानी कि पम्पकिन। और मैंने ये 8 टमाटर लिए हैं, जिसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। ये 1 कप दूधी है। टमाटर की खटास को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैं हमेशा इसमें दूधी डालती हूँ, और थोड़ी सी थिकनेस भी अच्छी आ जाती है इससे। सारे बड़े टुकड़ों को मैं इस तरह से एक पतीले में डाल दूंगी। अभी इसमें ही मैं सारे स्पाइसेस डालूंगी। ये दालचीनी का टुकड़ा है, उसे डाल देंगे इस तरह से। 6 से 8 साबुत काले मिर्च, 3 लौंग है, 1 ये तेज पत्ते का टुकड़ा है जिसे मैंने छोटा छोटा टुकड़े में कर लिया है, 1 तेज पत्ता है। अब मैं इसमें करीबन 1.5 ग्लास जितना पानी डाल दूंगी। मैं 1.5 लीटर जितना, करीबन 6 लोगों को हो जाए इतना सूप बना रही हूँ। उसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून घर की मलाई है। अब इसे ढककर मैं कुकर में पानी डाल के 3 सीटी करवा लूंगी, और कुकर अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद हैंड मिक्सी से पीस के उसे छान के रेडी कर लूंगी। देखिए, सूप को उबालने के बाद मैंने मसाले के साथ ही इसे पीस दिया था और फिर छान लिया है। आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी कितनी गाढ़ी है, और इसका कलर भी थोड़ा सा क्रीमी सा आया है, क्योंकि हमने 1 टेबल स्पून जितनी मलाई डाली थी। देसी हमारे खड़े मसालों के साथ बनाया हुआ सूप, मैंने अभी उसे उबालने के लिए गैस पे रख दिया है। गैस की आंच मैंने अभी स्लो रखी है। मैं 1/4 टीस्पून जितनी काले मिर्च और डालूंगी। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और मैं 1 टेबलस्पून जितना गुड़ डालूंगी। मैं ऑलवेज गुड़ ही इस्तेमाल करती हूँ, चीनी नहीं डालती हूँ। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अब हमें स्लो आंच पे ही इसे 10 मिनट के लिए उबालना है। देखिए, उबलते उबलते 10 मिनट हो चुकी हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है सूप में से, जिसमें खट्टा, मीठा, तीखा और हमारे देसी मसालों का अंदर फ्लेवर। आप भी इस तरह से जरूर से ट्राई कीजिएगा। 10 मिनट के बाद मैं गैस को बंद कर दूंगी। एक देसी मसाले वाला हमारा देसी टमाटो सूप बन के तैयार है, सर्विंग में ले लेंगे। देसी टमाटर सूप को मैंने सर्विंग में ले लिया है। धनिया की एक पत्ती से और घर के बनाए हुए मक्खन से मैंने थोड़ा सा गार्निश किया है। बहुत ही टेस्टी, बढ़िया देसी टमाटर सूप बन के तैयार है। आप भी इसे एक बार जरूर से ट्राई करके मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा कि आपको ये देसी टमाटर सूप कैसा लगा। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।